इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ किस तरीके से टच या फिर डायल पैड जो टच करते हैं, तो आप अब देख सकते हैं एक आवाज़ आती है, तो इसको कैसे बंद कर सकते हैं, इनेबल डिसेबल कैसे कर सकते हैं, इस डायल पैड के भी साउंड को इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो के अंदर बेसिकली यही सब बात करने वाला हूँ। और फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले, इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ में घंटे का ऑप्शन आए तो उसे भी दबा दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सेटिंग में जाना होगा। सेटिंग में जाने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखेगा, ये लॉक स्क्रीन एंड होम स्क्रीन एंड वॉलपेपर, इसको क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलता है, तो आपको देख सकते हैं होम स्क्रीन ये दिख रहा है और यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखता है, तो इस पर नहीं है फ्रेंड्स। तो आपको साउंड वाली सेटिंग में जाना होगा और यहाँ पे सबसे नीचे आपको दिखेगा डायल पैड साउंड, इसको भी बंद इनेबल डिसेबल कर सकते हैं, और टच साउंड इसको भी इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। अगर इसको बंद कर देंगे, ये बंद हो गया और ये चालू है, बिल्कुल इसको भी बंद कर देगा। तो इन सभी को मैंने बंद कर लिया, अगर आप चालू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, यहाँ भी पढ़ सकते हैं। आप देख सकते हैं डायल पैड, टच साउंड, स्क्रीन लॉक साउंड, मैसेज टोन और फीडबैक टोन, तो आप इन सबको ऑफ कर सकते हैं तो ऑफ कर सकते हैं, अगर ऑन करना चाहते हैं तो ऑन भी कर सकते हैं। तो गाइस कैसा लगा वीडियो, प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइएगा। नमस्कार।